मथुरा दिनांक 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में असामाजिक संगठित लोगों द्वारा निर्भीक निडर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मथुरा जनपद वासियों, पत्रकार साथियों एवं संबंधित पुलिस विभाग में शौक की लहर दौड़ गई। 4 दिसंबर 2018 शाम 6 बजे होली गेट पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद सुबोध कुमार सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। SP ट्रैफिक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह एवं महिला थाना कोतवाल, पत्रकार साथी मुकेश कुशवाहा, नरेंद्र भारद्वाज, महेश सिंह, परवेज अहमद, अंशुल शर्मा, प्रकाश सैनी, रईस कुरैशी, अमित भार्गव, दीपक सारस्वत, जय चौधरी, नागपाल, राजेश भाटिया, लोकेश चौधरी, हेमंत शर्मा, प्रवीण शर्मा, आर के धनगर, राहुल कप्तान सिंह, रमेश दिनेश, फैजल कुरैशी, गौरव शर्मा इत्यादि पत्रकार साथी मौजूद रहे। नागरिक बंसी यादव, संजू यादव, पारस यादव, आशु सारस्वत, रवि इत्यादि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन सभी पत्रकार साथियों एवं पुलिस विभाग के साथियों और आम नागरिक के साथ मिलकर किया गया। जो हम लोगों के बीच पहले यहाँ वृंदावन में थे, मथुरा जनपद में कार्यरत थे और अभी उनकी तैनाती बुलंदशहर के सियाना थाने में प्रभारी निरीक्षक के तौर पर थी। 3 दिसंबर को उन्होंने जिस तरीके से गोकशी की घटना को लेकर के पत्नियों द्वारा पथराव किया गया और गोलीबाजी की गई, उसमें हमारे बहादुर और कर्मठ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली लगने से मृत्यु हुई है। और जहाँ तक हम लोग समझते हैं और आप यहाँ की मथुरा की पूरी जनता उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सारे मीडिया वाले भाई, हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोगों ने एक कार्यक्रम के कैंडल मार्च निकाल कर उनकी आत्मा को शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। मैं तहे दिल से अपने बहादुर इंस्पेक्टर के लिए आप सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को आगे आने वाला जीवन जो भी सभी लोगों से सहयोग होगा और जो भी उनके परिवार को मदद होगी, हम मथुरा के लोगों की तरफ से अपने पुलिस परिवार की तरफ से यही कहना चाहेंगे। तो जहाँ और जहाँ तक है सभी लोग जो भी उससे सहयोग होगा उसको करेंगे ताकि उनके परिवार को आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पुनः मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ पुलिस परिवार की तरफ से, सारे मीडिया वाले भाइयों ने आज यह कार्यक्रम जो आयोजित किया उनको श्रद्धांजलि दी। मैं तहे दिल से आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आगे आने वाले समय में उनके परिवार पर जो भी जरूरतें होंगी उसको निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोतवाली वृंदावन रहे, सदर बाजार रहे, जैत में रहे और एक शेरदेन इंसान थे, जिंदादेन इंसान थे, बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हम सभी लोगों ने, पत्रकार बंधुओं को बड़ी मायूसी हो गई है उनकी मृत्यु का दुखद समाचार हम सभी ने सुना और हम सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से, पुलिस की तरफ से आज उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि जो भी इसमें इस घटनाक्रम में जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हमारे पास शब्द नहीं है, हम लोग शब्द